वहीं बात करें हॉस्पिटल में लापरवाही की तो हर दिन मामले सामने आते हैं। वहीं एक और मामला सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके नगर स्थित एक निजी हॉस्पिटल से सामने आया है, जहां प्रसव के बाद महिला की मौत होने पर परिजनों द्वारा हॉस्पिटल में जमकर तोड़फोड़ की गई और बवाल मचाया गया, जिसके बाद पुलिस सूचना पर पहुंची। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों के न होने के बावजूद भी परिजनों को जानकारी दिए बिना ऑपरेशन कर दिया गया। गलत ऑपरेशन के चलते महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों की मांग है कि मुआवजा के साथ ही इस अस्पताल को सीज किया जाए और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं मौके पर पहुंचे कोतवाल के द्वारा पीड़ित पक्ष को गोली मारने की बात से परिजन और भी ज्यादा आक्रोशित हो गए, जबकि मौके पर पहुंचे सीओ सिटी ने परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके के रॉबर्ट्सगंज नगर में स्थित जीवनदीप अस्पताल में आक्रोशित परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की। परिजनों का कहना है कि प्रसव के लिए शाम को ही महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि डॉक्टर के ना होने के बावजूद हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा परिजनों को जानकारी दिए बिना ही महिला को ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद महिला के ठीक होने की बात कही गई, जबकि रात में महिला की मौत हो गई। वहीं जब इसकी शिकायत हॉस्पिटल से की गई, जिसको देखते हुए आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ मचाई, जबकि मौके पर पहुंचे कोतवाल ने परिजनों को हंगामा करने पर गोली मारने की बात की, जिससे आक्रोशित परिजनों ने जमकर बवाल काटा। वह इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सीओ ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया। तारीख को 6 बजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल संकट मोचन मंदिर से हम लोग जीवनदीप हॉस्पिटल लेकर आए, बोले उनके मतलब एम्बुलेंस से लेकर आए और एडमिट किए। ये बोले कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, लेकिन ये किसी नर्स को जो काफी बूढ़ी हो चुकी हैं शीतला मंदिर से उठा के लाए, राहुल नाम है जो लड़के का, जो उठा के लाया एम्बुलेंस लेकर आया, उठा के लाया यहाँ पे, तो बोला कि वो ऑपरेशन कराती है, लेकिन वो नॉर्मल डिलीवरी कराती है। ट्राई किया नहीं हुआ, तो कोई 4 मिनट से डॉक्टर की गाड़ी थी, वो आए तकरीबन 8:35 पे, वो ऊपर गए तो 9:30 के बीच में बच्चा मतलब हो गया, ठीक, बच्चा रोया आ गया बच्चा, फिर बोले पानी पी लिया, गंदा पानी पी लिया। गंदा पानी पीने के बाद समझ लीजिए वो बोले कि आप लाल बाल चिकित्सालय ले जाइए, वहाँ उनकी सेटिंग थी जो भी जैसे किए हों बात किए हों, तो हम बोले वहाँ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जो जहाँ जहाँ बोल रहे हैं तो अपनी बात किए होंगे, तो हम उनको छोड़ के गए नेशनल बाल चिकित्सालय, वहाँ एडमिट कराए, वहाँ सब सही हो गया। लेकिन हमको लगा कि शायद दिल कर रहा है, तो समझ लीजिए कि लाल बाल चिकित्सालय दिखाएं, शायद जो बताएंगे कुछ और बताएंगे। जब वहाँ ले गए हम, शाम को ले गए तकरीबन 4:15 बजे लाल बाल चिकित्सालय, 21 तारीख को ही ले जा रहे हैं। 21 तारीख को ले जाने के बाद वो बोले कि ऐसा है कि ये हार्टलीस केस है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम दवा दे रहे हैं और एम्बुलेंस बुला दे रहे हैं, आप जाके बनारस में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए। फिर वहाँ गए एम्बुलेंस लेकर, यहाँ पे मरीज पहले से जो उसकी जो मम्मी थी, बच्चे की मम्मी यहाँ पे एडमिट थी, वो स्वस्थ थी, सही थी, यहाँ पे सही थी, और उसके बाद बच्चे को वहाँ एडमिट करा दिए हम लोग रात में, तो छोटी बच्ची थी। उसके बाद हम यहाँ पे आए, बोलने लगी भाई साहब आप आइए आइए, तकरीबन 9:30 बजे बुलाई हमको फोन करिए। जब उसको छोड़े हम अपने घर से एम्बुलेंस से, जाके बनारस से भर्ती करा देना उसको ICU में, तो उसके बाद हमें यहाँ आए, बुलाए कि भैया जी आइए आइए, हम बच्चे नहीं मर जाएंगे, क्योंकि उसको मालूम था कि वो नॉर्मल डिलीवरी होगी, ठीक। लेकिन जब वो देखी कि अगर ऑपरेशन भी होता है तो एक स्टिकर चिपका होता है, लेकिन सारी वो बंडल पट्टियाँ बंधी हुई थी, ये लपेट के जैसे बोरा टाइप में बांध दिया गया था, तो बोले कि ये क्या हो गया, एक पट्टी स्टिकर टाइप में चिपकी रहेगी, लेकिन वो पूरी बंडल बंधी हुई थी। तो बोले थी भैया जी मर जाएंगे आइए आप। जब हम यहाँ पे आए तो बात की, तो वो गर्म हीटर कुछ होता है इनका, वो करके ऐसा सेक रहे थे, बॉडी बार बार ठंडी हो जा रही थी, तो हम समझ रहे थे कि बोल रहे थे नहीं सही है सही है सही है, देख रहे हैं, तो हमको क्या मालूम, हमको तो नॉलेज है नहीं कि क्या क्या नहीं, डॉक्टर ही बता सकता है। रात कितने बजे डेट हुई? रात में हम थे यहाँ पे 10 बजे, तो ठीक थी, मतलब ठीक क्या थी, मतलब वो जो बता रहे थे हम मान रहे थे, वो तो सोई थी, वो सोई थी, बातें नहीं कर रही थी, बस लोग हाथ ऐसे हिला हिला के कर रहे थे, नहीं वो BP अपना ला रहे थे, बदल रहे थे, अब हीट कर रहे थे, नहीं वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, घंटे में सही हो जाएगी, घंटे में सही हो जाएगी, लेकिन हमको लगा सही में सही हो जाएगी। पहले बताइए मरीज की मौत यहाँ हुई है कि बाहर हुई? मरीज की मौत यहाँ ही हुई है 10:30 बजे, लेकिन घटना को अंजाम देके ये लोग बनारस में दिखाए हैं कि साईनाथ में दिखा देंगे, जिससे मेरा हॉस्पिटल बंद भी नहीं होगा, बच जाएगा, और पब्लिक यहाँ हंगामा नहीं करेगी, और हमें ये लोग कहे कि आप चले जाइए घर और माता जी को भी लेते जाइए। और फिर ये हमारे भाई, छोटे वाले भाई को बुलाते हैं और ये लोग बैठाते हैं और डॉक्यूमेंट भी लेते हैं, हम लोग को इसमें नहीं बुलाए, और हमको फोन किया छोटा वाले कि हम जा रहे हैं धर्मशाले पे हैं, तो हम बोले कि हम भी चल करा कि नहीं हम जा रहे हैं, उसका ये लोग जा रहे हैं वहाँ लेके, तो छोटे भाई को ले तो जरूर गए, लेकिन ये लोग हम मम्मी को और हमें संज्ञान में मिलना बता के कि हम लोग जा रहे हैं साई में, बहुत सीरियस है, और जो कि यहाँ डेथ कर चुकी थी, पहले वो सोई थी। पुलिस आज सुबह आई है तो क्या पुलिस आई है, एक तिवारी जी करके 3 स्टार है, समझ लीजिए, उनका कहना है कि लॉ ऑर्डर को समझ लो तोड़ोगे, लॉ ऑर्डर को तोड़ने तोड़ोगे समझ लो तो गोली ही मार देंगे,
समझ लो, और तुमको इतनी बुरी तरह फंसाएंगे बेटा और तुम बचोगे नहीं अब समझ लो। पूरे पब्लिक तो हम यहाँ से इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि अगर यहाँ पे सीएमओ साहब आ जाते या बड़े अधिकारी उनके आ जाते समझ लीजिए तो शायद यहाँ से खटानी भीड़ क्या हटेगी, भीड़ तो हट जाएगी ऑटोमेटिक, क्या हमको तोड़ने थोड़ी कुछ मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि समझ लीजिए कि ये हॉस्पिटल समझ लीजिए जो ऐसा कर रहा है, कई लोगों के साथ भी किया होगा, हमारे साथ भी किया है समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कई लोगों के साथ और करेगा फिर आ जाएगा, तो ये हमेशा के लिए बंद हो जाए समझ लीजिए। किसी बड़े कैसे फंसा देंगे अब इनसे बता लो, आप इनसे अब इसके बाद बात करो, यहां पे बोल दे पब्लिक यहां पे स्पर्श कराने के लिए एकदम आपके अगर बदतमीजी रहे आप बदतमीजी करेंगे तो छोड़ूंगा भी नहीं, आप बदतमीजी करेंगे तो नहीं छोड़ूंगा। आप बात नहीं समझ रहे, आप बात नहीं समझ रहे, आप तोड़ेंगे आपको फोड़ कर मस्करा।